हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है महामारी के इस दौर में आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 2 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 300 के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने LLB प्रथम वर्ष में भारतीय संविधान में आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ा होगा और उसी से रिलेटेड प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 में भी दिया गया है, इसलिए दोनों को जोड़ते हुए आज वापस अध्ययन करते हैं। देखिए, दंडिक विधि का या मैं कहूँ आपराधिक न्याय प्रशासन का एक सामान्य सिद्धांत भी है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो विचारित किया जा सकता, अर्थात न तो अभियोजित किया जा सकता और न ही दंडित किया जा सकता। यह इसलिए आवश्यक है कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था विधि में नहीं होती तो एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार विचारित कर कर और दंडित किया जाता, जिससे कि वादों की बाहुल्यता उत्पन्न होती, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रायल्स अराइज होती। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। स्टूडेंट्स, दांडिक विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत भी है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया है तो फिर उसी अपराध के लिए दोबारा न तो अभियोजित किया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। इसके संबंध में एक सूत्र भी है जिसके बारे पे हम चर्चा करें तो कहा गया है कि नेमो डिबेट विस वैक्सरी, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार नहीं तो अभियोजित किया जा सकता और नहीं दंडित। इसे दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग डबल जेपार्डी का प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह एक सुस्थापित सिद्धांत बन गया कि जब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित कर दिया तो पुनः उसी अपराध के लिए न तो अभियोजित किया जाएगा, विचारित किया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 की बात करें तो धारा 300 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार जब दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया है तो उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को दोबारा विचारित नहीं किया जाएगा। देखिए, पहले हम आर्टिकल 20(2) और धारा 300 के संबंध में यदि कुछ शब्दों के अंतर की बात करें तो आर्टिकल 20(2) में अभियोजित और दंडित शब्द का प्रयोग किया गया है और धारा 300 की बात करें तो उसमें दोष सिद्ध और दोष मुक्त शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार ये शब्दों का अंतर है दोनों में। धारा 300 कि मूल बात करें तो उसमें कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण करके और उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया है तो फिर उस व्यक्ति को उस दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के प्रवृत्त रहने के दौरान उसी अपराध के लिए दोबारा से विचारण नहीं किया जाएगा उन्हीं तथ्यों के आधार पर। साथ ही इसमें यह भी बताया है कि किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध आरोप जो लगाए गए हैं उससे भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था और जिसके लिए उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्धि भी किया जा सकता था। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। मैंने आपको पूर्व में बताया यदि इस प्रकार की व्यवस्था विधि में नहीं होती, भारत के संविधान में प्रावधान नहीं होता तो वादों की बाहुल्यता चलती रहती,
एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अभियोजित किया जाता, दंडित किया जाता, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बात के लागू होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनको पूरा किया जाना धारा 300 के अंतर्गत आवश्यक है। जिसके अंतर्गत बात करें तो सर्वप्रथम बात यह है कि उस व्यक्ति को प्रथम बार जब विचारण किया गया, अभियोजित किया गया, दंडित किया गया, तो वह सक्षम न्यायालय के द्वारा किया जाना जरूरी है। उस न्यायालय को उस मामले को सुनने की अधिकारिता होनी आवश्यक है। उसके बाद में अभियुक्त किसी अपराध के लिए विचारण किया जाकर दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका हो, यानी कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसका विचारण किया, उसको दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया। और तीसरी जो शर्त है कि उस अपराध के लिए जिसके लिए उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए, उस आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, और जिसके लिए उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्धि किया जा सकता था, तो उस अपराध के लिए नया विचारण किया जा सकता है। लेकिन ये जो धारा 300 में जो प्रावधान दिया गया है, यह सिद्धांत अपने आप में कोई निरपेक्ष सिद्धांत नहीं है, यानी कि इसके भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा से अभियुक्त को विचारित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो ये अपवाद इस प्रकार से हैं, जिसमें नंबर एक है कि राज्य सरकार की सहमति से पुनः विचारण किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जब किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त को एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया, तो उस भिन्न अपराध के लिए जिस पर धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन प्रथम विचारण के समय पृथक आरोप लगाया जा सकता था, उसके लिए बाद में राज्य सरकार की सहमति से विचारण किया जा सकता है। इसके बाद में हम दूसरे अपवाद की बात करें तो उसमें भिन्न परिणाम पैदा होने पर भी विचारण किया जा सकता है। जैसे ए नामक व्यक्ति पर बी को घोर उपाधिकारित करने के लिए विचारण किया जाकर दोष सिद्ध कर दिया, और बाद में घोर उपाधि से पीड़ित जो एग्रीड पर्सन बी है उसकी घोर उपाधि के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ए अपराधी पर अभियुक्त पर आपराधिक मानवध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है। तीसरे अपवाद की बात करें तो इसमें बताया है कि जब किसी व्यक्ति को किन्हीं कार्यों से गठित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया है, फिर भी उन्हीं कार्यों से गठित किसी अन्य अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा, बशर्ते कि वह न्यायालय जिसके द्वारा प्रथम विचारण किया गया था बाद वाले आरोप को सुनने के लिए सक्षम नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में दोबारा से विचारण किया जाकर दंडित किया जा सकता है। इसके संबंध में हम एक बहुत महत्वपूर्ण केस की चर्चा करें जो कि धारा 300 से संबंधित है, मोहिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जा सकता और न ही दंडित किया जा सकता, लेकिन यदि किसी अपराध का पूर्व में विचारण ही नहीं हुआ तो फिर उसके संबंध में धारा 300 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस प्रकार से हमने आज भारत के संविधान के आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 2 और साथ ही धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 के बारे में हमने चर्चा की, अध्ययन किया। मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आप इस वीडियो को भारत के संविधान के आर्टिकल 20(2) और धारा 300 के साथ जोड़ते हुए केस लॉ के साथ में अध्ययन कर सकते हैं। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।